पंजाब सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने सीएम पद से हटने की बात कही थी। अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के साथ ही उनके मीडिया सलाहकार पद से इस्तीफा देने वाले रवीन ठुकराल ने इस चिट्ठी के कुछ हिस्सों को ट्वीट किया है। चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने पिछले 5 महीनों से पंजाब में मची राजनीतिक उथल पुथल पर अपना दुख जताया है। उन्होंने लिखा था, पिछले 5 महीनों में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, खासकर जो फैसले पंजाब और उससे जुड़े राष्ट्रीय हितों को ध्यान में ना रखते हुए लिए गए, उनसे काफी पीड़ा हुई। अपनी चिट्ठी में कैप्टन ने आगे लिखा कि पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ऐसे में राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने पत्र में संतुष्टि जताई कि उनके कार्यकाल में राज्य में पूरी तरह से शांति बनी रही। यही नहीं, कैप्टन ने लिखा कि पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहा। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने पंजाब के लिए अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने लिखा कि 9.5 साल तक उन्होंने पंजाब के लोगों की भलाई के लिए काम किया। कैप्टन ने आगे लिखा, न केवल मैंने कानून व्यवस्था का शासन स्थापित किया बल्कि पूरी पारदर्शिता से सरकार चलाई, साथ ही साथ राजनीतिक मामलों में पूरी नैतिकता के साथ व्यवहार किया। पार्टी के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में 13 में से 8 सीटें जीती। स्थानीय स्तर के चुनावों में भी पार्टी को निर्णायक जीत दिलाई। अमरिंदर सिंह ने अपने पत्र में ये भी चिंता व्यक्त की कि पार्टी के अंदर मची उथल पुथल का गवर्नेंस पर असर पड़ेगा, जबकि राज्य के लोग पार्टी को आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी पंजाब के जरूरी मुद्दों और नीतियों के स्तर पर परिपक्व फैसले लेगी और ये फैसले अच्छे इरादों वाली राजनीति पर आधारित होंगे। कैप्टन ने यह भी लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों से पंजाब के विकास और शांति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन दोनों चीजों को हासिल करने में बहुत लंबा समय और मेहनत लगी है। ये चिट्ठी ऐसे समय में सामने आई है जब इस्तीफा देने के बाद कैप्टन एक से अधिक बार ये बता चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफा देने के बारे में सोनिया गांधी को पहले ही बता दिया था। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कैप्टन ने दावा किया था कि उनके इस्तीफा देने की बात कहने पर सोनिया गांधी ने उनसे आई एम सॉरी भी कहा था। इससे पहले 18 सितंबर को पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक से तुरंत पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व का उनके ऊपर विश्वास ना रहने की बात कहते हुए कैप्टन ने कहा कि वे फिलहाल कांग्रेस में ही रहेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बीते कई महीनों से टकराव चल रहा था। इसकी वजह से पंजाब कांग्रेस में खेमेबाजी भी हो गई। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन सिद्धू पर बरसे। उन्होंने कहा कि वे सीएम के तौर पर सिद्धू का समर्थन कभी नहीं करेंगे। कैप्टन ने यह भी कहा कि सिद्धू के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ से संबंध हैं, ऐसे में सिद्धू राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी मुरारी। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।